अब भी सियासी मैदान में मुख्तार जिंदा है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से समाजवादी पार्टी जैसे सियासी दल उसके परिवार से हमदर्दी जताने पहुंच रहे हैं। वैसे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते दिख रहे हैं, क्यों देखिए ये रिपोर्ट। मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए और नहीं तो समर्पण करिए। मुख्तार अंसारी को दुनिया छोड़े हुए करीब एक हफ्ता बीत गया है, लेकिन सियासत की दुनिया में मुख्तार अंसारी अब भी जिंदा है। दरअसल समाजवादी पार्टी को मुख्तार अंसारी पर आंसू बहाने के लिए सियासी मौका मिला है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के ऐसे ही पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर यादव ने मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील की है। सुधाकर यादव मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड से भी कभी जुड़े रहे हैं। वैसे मुख्तार की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता लगातार उनके घर हमदर्दी जताने जा रहे हैं। हाल ही में धर्मेंद्र यादव मुख्तार के परिवार वालों से मिले थे, लेकिन अब 7 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने जा रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर भी जाएंगे। वैसे डॉन की मौत पर सियासत उसी दिन से शुरू हो गई थी जब सियासी दल उसकी मौत को लेकर चुनावी माहौल में सियासी चाल चलते हुए सवाल उठाने की कोशिश में जुटे थे। वैसे अब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषणों में आरोप लगा रहे हैं कि जब से वो मुख्तार अंसारी के घर गए हैं तब से उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही है। ओवैसी इसी मौके को हथियार बनाकर धर्म विशेष के बीच अपनी बुलंद आवाज रख रहे हैं। मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो, फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं। ओवैसी तो अपनी बात रखते रखते ये भी बता रहे हैं कि मुख्तार ही नहीं, वो अखलाक, जुनैद, नसीर के घर भी उनकी मौत के बाद पहुंचे थे। अब आपको इन बयानों के सियासी मायने भी समझा देते हैं। दरअसल मुख्तार की मौत के बाद से उपजी सहानुभूति का असर गाजीपुर, मऊ और आसपास के जिलों में हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया हुआ है। ऐसे में मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उमर अंसारी लाइमलाइट में हैं। माना जा रहा है कि उमर अंसारी राजनीति में आते हैं तो वो गाजीपुर के बजाय मऊ को चुनेंगे। इसकी वजह है कि गाजीपुर में अफजाल अंसारी का दबदबा है, जबकि मऊ में सियासी तौर पर मुख्तार अंसारी ने जमीन तैयार की है। इस तरह से उमर अगर चुनाव लड़ेंगे तो गाजीपुर के बजाय वो दूसरी सीट पर चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। अब एक और गणित समझिए, मुख्तार के दुनिया से जाने के बाद अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के लिए अफजाल अंसारी ही सब कुछ हैं। ऐसे में उमर और अब्बास किसी भी सूरत में अपने गार्जियन के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनकी ताकत परिवार की एकता में है। हालांकि अफजाल अंसारी के खिलाफ काफी मामले दर्ज हैं, जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता पर भी ग्रहण लग गया था। इस बीच यूपी के सियासी माहौल को देखते हुए गाजीपुर के सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पहले मुख्तार की मौत पर और अब फरार हुई मुख्तार की पत्नी को इस अंदाज में नसीहत दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटरों की हमदर्दी पा सकें। साथ ही अफजाल अब्बास की जल्द रिहाई की भी उम्मीद कर रहे हैं। मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, के न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए और नहीं तो समर्पण करिए। अब परिवार की कोशिश है कि जल्द से जल्द दोनों को कानूनी रास्ते से रिलीफ देकर बाहर लाया जा सके। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात अपने भाषणों में कर रहे हैं। लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, लोग अपराधियों को मेहमानदान करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को जीना आराम कर देंगे, गलियों में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपको बता दें कि 19 महीने में 8 केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार था। ऐसे में मुख्तार की मौत से विपक्षी दलों को कोई अतिरिक्त फायदा मिलने की संभावना कम ही है।
दूसरी ओर मुस्लिम वोट आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सपोर्ट में आ सकते हैं। दूसरी ओर अपराधियों से निपटने के लिए इस बार भी मुख्य कैंपेन कार्ड के तौर पर बीजेपी ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात रखी है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के 8 दिन बाद बांदा जेल के उस बैरक को भी खुलवाकर न्यायिक टीम जांच कर रही है जिसमें मुख्तार अंसारी बंद था। जाहिर है मुख्तार की मौत पर सियासत करने वालों को शायद इसे चुनावी राजनीति में इस्तेमाल करने का मौका मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब सवाल ये है कि अंसारी की मौत से राजनीतिक तौर पर किसे फायदा हो सकता है, और ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल अंसारी को न केवल मुसलमानों बल्कि गाजीपुर और मऊ के सबसे पिछड़े दलितों और उच्च जातियों के एक हिस्से का भी समर्थन प्राप्त था। मुख्तार अंसारी के प्रभाव से राजनीतिक दलों खासकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को फायदा हुआ। फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए ये मौका है, और आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में मऊ से बसपा के टिकट पर विधायक बने और अगले 2 चुनाव निर्दलीय के रूप में जीते, जबकि 2022 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अखिलेश ने खुद पूरे अंसारी परिवार को अपनी पार्टी में स्वागत किया। इसके बाद मुख्तार और उनके बड़े भाई सिबतुल्ला के बेटे अब विधायक हैं। Z News.